हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका कैथोलिक फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकपत्ता। दिस वीडियो फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। देखिए बच्चों, आज का आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या है। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक राइफल दी गई है जिसमें से गोली छूटती है। अगर हम कुछ इस तरीके से आकृति बनाएं कि ये है हमारी राइफल और इसमें ये क्या लगी हुई है, गोली, ठीक है। और अगर इसमें से राइफल में से गोली छूटती है, उसके बाद की अगर हम स्थिति बनाए तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। गोली छूटने के बाद ये राइफल हो गई और ये क्या हो गई, गोली। तो गोली कौन सी दिशा में गति कर रही है, अगर आगे की दिशा में बढ़ रही है तो राइफल कौन सी दिशा में जाएगी, पीछे की दिशा में गति करेगी, ठीक है। तो ये वाली स्थिति हो गई गोली छूटने से पहले की अवस्था, और यह अलग अलग हो जाएंगी गोली छूटने के बाद, ठीक। अब हमने मान लिया कि जो राइफल का वेग है वो मान लिया हमने U1, और गोली का वेग मान लिया हमने U2 का गोली छूटने से पहले। और इसी प्रकार गोली छूटने के बाद जब दोनों अलग अलग हो जाती है, तो राइफल का वेग मान लिया V1 और गोली का वेग मान लिया हमने V2। अब राइफल का द्रव्यमान हमने माना M1 और गोली का द्रव्यमान M2। द्रव्यमान वही रहेंगे, राइफल का द्रव्यमान रहा M1 और गोली का द्रव्यमान रहा M2। अब अगर हम ये देखें कि x-अक्ष दिशा में ये रखी हुई है अगर राइफल, तो और इस पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है, तो बाह्य बल शून्य होने के कारण इसका कौन सा नियम लगेगा, संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। मतलब गोली छूटने से पहले और गोली छूटने के बाद संवेग जो होगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अगर गोली छूटने के पहले संवेग हमने P1 माना और गोली छूटने के बाद संवेग हमने कितना माना, P2, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये कहेगा संवेग संरक्षण का नियम P1 बराबर P2, गोली छूटने से पहले संवेग और गोली छूटने के बाद संवेग क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण का फॉर्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा, M1 U1 plus M2 U2 equal M1 V1 plus M2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए किस किस की, M1 की, M2 की, U1 की, U2 की और V2 की, ठीक है, वैल्यू रखेंगे और V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप देखिए, गोली छूटने से पहले जब राइफल और गोली विराम अवस्था में थे तो इनके प्रारंभिक इनके जो वेग होंगे U1 और U2 क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इसके कारण ये वाला पक्ष हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इधर आ गया आपका 0 इक्वल, यहाँ बचा आपका M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ 0 हो गया M1। M1 यानी राइफल का द्रव्यमान कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है प्लस M2। M2 हमारा हो गया क्या, गोली का द्रव्यमान जो कितना दिया है 50 ग्राम। तो यहाँ पे आपका हो गया 50 और अकाउंट में कितना हो गया आपका 1000 और यहाँ रहा आपका V2। और V2 क्या है, गोली का वेग। तो गोली का वेग कितना दिया है, कितने 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, और गोली छूट रही है 35 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर V2 की जगह कितना हो जाएगा 35। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, इधर रहा आपका 0 इक्वल 4V1 प्लस 50/1000 कह रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 50/1000 आपका 0.05 और इंटू करके कितना चलेगा आपका 35। अब ये 4V1 इस साइड आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, ये हो गया आपका 4V1 और इधर 0.05 बचा और क्या बचा 35। जब इन दोनों की इंटू होगी तो कितना आएगा 1.75। अब इसके बाद 4 इस पक्ष में जाएगा तो काई में चला जाएगा 4 में, तो V1 इक्वल कितना आएगा आपका 1.75/4 और ये माइनस साइन भी यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ काई का साइन आ जाएगा माइनस का। अब जब 4 से 1.75 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका -0.437, ठीक है। तो ये आया आपका राइफल का वेग, यानी कि राइफल का जो वेग आया हमारा वो कितना आया, V1 माना था हमने, और V1 की वैल्यू कितनी आई -0.437 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक्स।